कोलकाता शहर में एक नया और बहुत ही खूबसूरत बैंक्वेट हॉल आप सबके सामने है, जहां आप अपने फंक्शंस और सेलिब्रेशंस कर सकते हैं। चाहे वो शादी हो, मेहंदी हो, संगीत हो या वलीमा हो, या फिर आपको कोई एग्जीबिशन या मीटिंग करनी हो, ये जगह सबके लिए परफेक्ट है। चलिए आपको दिखाते हैं कि इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में क्या क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना हद तक हो सका मैंने अपनी मेहनत मशक्क़त से मैंने कुछ बनाया है जो लोगों को मेरे ख्याल से पसंद आना चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें मेरे भांजा जो है जिनका नाम मिराजुद्दीन खान है, उसने बहुत मुश्किल और मेहनत से ये काम को अंजाम दे पाया। ये बैंक्वेट हॉल का मेन मकसद बनाने का यही है कि लोग इस अंचल में, इसके दरमियान जो इस जगह पे ये बनाया गया है, ये वेल लोकेशन में है, इसलिए इसके अगल बगल कोई तरह का यहाँ पे हॉल नहीं है, इस तरह का हॉल नहीं है। इसलिए मैंने कोशिश किया कि ऐसे जगह पे हॉल बनाऊं जो लोगों को पसंद आए, और मैं उसमें पूरी मेहनत से मैं अच्छा से अच्छा कोशिश किया बनाने का। कितने लोगों को यहाँ पे जगह का इंतजाम हो सकता है? ऊपर में जो मैंने अभी जो हॉल बनाया है जो ऊपर में है, उसके साथ में मेरा ग्राउंड फ्लोर भी है जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। ऊपर में मेरा जो है 250 से 300 का मैनेज हो पाएगा। जो हॉल है वो 250 से 300 के फैसिलिटी भी है। जी, मेरा आउट साइड पार्किंग है, अंदर में 2 पार्किंग है, आउट साइड में मैंने टोटल 20 गाड़ी का पार्किंग का इंतजाम रखा हूँ। खाना बनाने के लिए किचन का जगह, किचन का मेरा जगह जो इस साइड में जो मेरा 400 स्क्वायर फीट में बना हुआ है ऑलरेडी, और वो 400 स्क्वायर फीट का जो जगह है वो मुकम्मल है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। न्यू बैंकवेट में क्या ऑफर दे रहे हैं आप? इसमें ऑफर मीन्स क्या है, हम अभी तो फिलहाल मिनिमम से मिनिमम रेट रखा है, ऐसा कोई ख़ास रेट ज़्यादा नहीं रखा है, क्योंकि अगर इसका अच्छा अगर रिस्पांस मिलेगा तो मैं फिर उसमें कमी करूँगा। अभी तो मैं समझ लूँ तो ऊपर नीचे मिला के मेरा 150,000 का है सोच रखा है, लेकिन अगर नीचे अगर तैयार नहीं हुआ फिलहाल मैं ऊपर में वो मैं 75,000 से 90,000 रुपये का रेट रखा हूँ। वो प्रोवाइड करेंगे हम, जो थीम चाहिए प्रोवाइड करेंगे। जगहों के साथ क्या आप कैटरिंग सर्विस भी देंगे? जी, कैटरर ऑलरेडी मेरे पास में अभी 2 कैटरर है, और भी अगर कोई कैटरर अगर अपना लाना चाहे तो ला के कैटरिंग कर सकता है। क्या क्या इवेंट के लिए आपको जगह देंगे? इवेंट मीन्स जगह, बर्थडे है, शादी है, हल्दी है, वलीमा है, ये सब करेंगे। एग्जीबिशन में अगर उस तरह का रिक्वायरमेंट आया, अगर मेरा हॉल खाली पड़ा रहा या कोई बुकिंग नहीं है तो मैं वो भी इंतज़ाम प्रोवाइड करेंगे। जो लोग आपको देख रहे हैं क्या मैसेज? उसको देखने मैसेज देने के ये मकसद है कि उन लोगों को पसंद आया कि नहीं पसंद आया, वो तो मेरे को फिलहाल तो नहीं मालूम है, पर हमें लगता है कि जिस तरह से मैं हॉल का डेकोरेशन किया है तो मेरे ख्याल से अल्लाह करम है कि सभी को पसंद आएगा। आपने देखा कि इसका इंटीरियर कितना खूबसूरत है, और बहुत ही प्राइम लोकेशन कोलकाता के बैक बगान के कलीम एवेन्यू सर्कस एवेन्यू में है। सबसे पहले सभी को सलाम करना चाहेंगे, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जितने भी है यहाँ पे, कई एक माइक है और सब अलग अलग सोशल मीडिया पे है, और अभी का ज़माना सोशल मीडिया का है, इसी वजह से आप सभी को दावत दिया गया और यहाँ पे बुलाया गया। तो बैंक्वेट का आगाज़ किया गया, लोकेशन अच्छा था, इस वजह से इस जगह को हम लोगों ने चॉइस किया था बैंक्वेट के लिए। हम लोगों का भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा फैमिली है, तो कुछ फैमिली में भी यूज़ हो जाएगा और बाकी लोगों के लिए भी सर्विस करने का मौका मिल जाएगा। उसके बाद इसको बनाते बनाते फर्स्ट फ्लोर को कंप्लीट करने में हम लोगों को तकरीबन 6 से 7 महीने का वक्त लग गया। तो करने के बाद में ये महसूस हुआ कि मेहनत तो की है मगर स्पेस थोड़ा छोटा हो गया। तो उसके बाद अपने जो डेवलपर है कलीम ग्रुप, उनसे मशवरा सलाह करने के बाद हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर को भी ऐड किया, ताकि कोई अगर हमारे पास में स्पेस का किल्लत लेकर के अगर आते हैं कि आपके यहाँ पे स्पेस थोड़ा छोटा हो जाता है, तो फिर उनको भी हम निराश ना कर पाए और उनको भी मुनासिब जगह दे पाए। इसी वजह से सिर्फ ग्राउंड फ्लोर हम लोग ऐड किए हैं, और अगर कोई छोटा प्रोग्राम लेके भी आते हैं 100-200 का,
तो उनके लिए ऑप्शन है, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर ले लें या फर्स्ट फ्लोर ले लें। और अगर किसी बंदे का 500 प्लस का कैपेसिटी होगा तो वो इंशाल्लाह रहमान हम लोग दोनों फ्लोर मिला करके उसको पूरा कर लेंगे। और रहा सवाल लोकेशन वाइज, तो कहने का ज़रूरत है नहीं, ये बिल्डिंग अपने में आप है लोकेशन में। और वैलेट पार्किंग के लिए बाहर में 20 गाड़ी का पार्किंग हम लोगों ने इंतज़ाम रखा है, अंदर में दूल्हे का गाड़ी जो आएगा जो सजा हुआ होता है और वो नहीं चाहते हैं बाहर में पार्किंग रखना, तो उसके लिए वो हम लोगों के प्रीमिसेस के अंदर में पार्क होगा गाड़ी। और रहा सवाल कैटरिंग, और इसके लिए तो दो कैटर है और जहाँ तक ज़्यादातर उम्मीद है हम लोग इसको नो बीफ रखेंगे ताकि और भी मज़हब के लोग जो है या इत्मीनान से बुकिंग कर पाए। और बुकिंग करने के लिए मैरिज भी है, बर्थडे भी है, और थोड़ा हल्दी के लिए शायद ना दे पाए क्योंकि बहुत ऐसा कंडीशन में होता है हल्दी के काम में हॉल को बर्बाद कर दिया जाता है। अगर कोई बंदा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम प्रोग्राम भी करेंगे और आपका जगह को अपना जगह समझ करके करेंगे तो इंशाल्लाह रहमान वो हल्दी के लिए भी दे दें। बाकी बारात और वलीमा ये सब के लिए कोई दिक्कत नहीं है और सभी के लिए ओपन है। फर्स्ट फ्लोर बुकिंग का प्रोसेस है, आप यहाँ पे कीज रखा हुआ है, सिक्योरिटी है, वो आपको ओपन करके दिखा देंगे। फर्स्ट फ्लोर अभी के लिए आपको फर्स्ट फ्लोर होगा और आप सभी भाई एक मरतबा फर्स्ट फ्लोर का अच्छे से रिव्यू आप दिखा दीजिएगा फर्स्ट फ्लोर का, ताकि आपके व्यूवर जो है सही से घर बैठे देख पाए लोकेशन कैसा है नहीं है। ये तो अपना तबीयत से हम इंतज़ाम किए हैं। बता क्या है जी एड्रेस? ये एड्रेस हुआ 1 सर्कस एवेन्यू, बिल्डिंग का नाम हुआ कलीम एवेन्यू, ये बिल्डिंग का नाम हुआ, और हमारा बैंक्वेट का नाम हुआ आरडी बैंक्वेट। तो आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा और सिक्योरिटी जो है वो अगर हम लोग कहीं पर बिज़ी भी रहे तो वो ओपन करके आपको जगह पूरे अच्छे से दिखा देंगे और इंशाल्लाह रहमान 2 महीने के अंदर ग्राउंड फ्लोर रेडी हो जाएगा। तो जिनको बड़ा प्रोग्राम करना हुआ 2 महीने के बाद अगर उनका तारीख वक्त है तो वो आकर के इत्मीनान से देख सकते हैं। 2 महीने में इंशाल्लाह रहमान नीचे को भी एकदम लग्जरी लुक देंगे और इन हाउस किचन है अपना, जहाँ पे 400 स्क्वायर फीट का किचन है, तो जो भी इंतज़ाम है वो नीचे में अगर बनाना चाहे इत्मीनान से बना सकते हैं, इन हाउस किचन है। इंशाल्लाह रहमान अपने एंड से कोई तकलीफ नहीं होगा व्यूवर्स को या बुकर्स को जो भी बुक करें। नहीं, रूप में टेरेस है मगर वो ऐसे हम लोगों के लिए एक्सेसिबल है, अगर कस्टमर के लिए एक्सेसिबल करे तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा कौन नीचे कौन ऊपर। तो जिस वक्त फंक्शन रहेगा रूफ लॉक्ड रहेगा, सिर्फ एक्सेसिबल ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर होगा। कॉम्पिटेटिव देखिए है तो बैंक्वेट कही है कि यहाँ पे आसपास में बहुत ही बैंक्वेट है, ऐसा नहीं है कि हम इस लाइन में अकेले हैं, जैसे एक्मी है, आगे मंगलम है, और भी बैंक्वेट कई एक है, मगर हम ऐसे सभी बैंक्वेट गए हैं। तो हम अपना बैंक्वेट में सोचते हैं कि अपना बैंक्वेट में एक ऑप्शन है, जैसे पिलर सिर्फ 2 है, जो कई एक बैंक्वेट में आपने देखिएगा कि पिलर्स की वजह से थोड़ा जगह जो है गेटअप ख़त्म हो जाता है, तो अपने यहाँ पर सिर्फ 2 पिलर्स है और उसको भी हमने इतनी बाखूबी से सजाया है कि लोग उस पर फ़ोटो खिंचा ले, ऐसा नहीं छोड़ा है कि उसको फ़ोटो खिंचाने लायक उसको बना दिया है। बाकी और पिलर जी, और बाकी जो अपने तबीयत से जो होना चाहिए, जैसे हम अगर कहीं पर बैंक्वेट में जाए और ढूंढे कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, इंशाल्लाह रहमान वो हम अपने बैंक्वेट में पूरा किया है। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा रहेगा 9883703020, और अगर हम नहीं अवेलेबल रहे हमारे मामू अवेलेबल रहेंगे MD शौकत, उनका नंबर यहाँ बोर्ड पे लिखा होगा ऑफिस के बाहर पे, शायद कुछ नंबर मिस होगा मगर इसीलिए बोर्ड पे लिखा होगा, खुद का नंबर याद था बता दिए। और इंशाल्लाह रहमान आप लोग आइए, एक मरतबा हॉल को विज़िट कीजिए, एक मरतबा बुकिंग कर करके अपना फंक्शन को हिट कीजिए। बाकी हम तो है अपडेट करने के लिए, और ये ऐसा काम है कि 6 महीने 1 साल में हमको अपडेट करते रहना होगा, तो इंशाल्लाह रहमान वक्त के हिसाब से हम लोग अपडेट रहेंगे और बैंक्वेट को भी अपडेट रखेंगे। इसीलिए इसका नाम हॉल नहीं रखा, इसको बैंक्वेट रखा, कि इसको हम बार बार अपडेट करेंगे और आपके मिजाज के मुताबिक हम इस पर खरा उतरेंगे। अगर आप फ्यूचर में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कोई इवेंट करना चाहते हैं तो आप यहां आसानी से कर सकते हैं।